प्रभु ताज अवर सेवक जे हुई है
तित मान महत जस घट है ओदी महत्ता ओदा जस दुनिया में खराब हो जाएगा मंदा हो जाएगा। पर सानू की लोड़ है बाणी पढ़ने की, असीं क्यों पढ़नी होई बाणी, साडा ते संबंध ही नहीं है ना बाणी दे नाल। चाली जिहड़ी पोह रिंदी ते मां खादी दा जिक्र साडे घरां च आउंदा है सानू नहीं दस्सिया कदी किसी ने, पोह दी की ती पोह दी रात सिखां दे घर प्रसादा नहीं पकिया, क्योंकि जिस घर विच ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 40-50 ਅੱਜ ਸ਼ਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਪਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੋਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਪੱਕਿਆ, और एक माघ नूं सवेरे उन्हां 40 सिंघां दा संस्कार करके फिर सिखां दे प्रसादे दा टुकड़ मुंह विच पाया। कौन याद करेगा अज दे दिन उन्हां महान योधे जिन्हां नूं आपस विच याद करदे हो ना, पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते, अज दे दिन उन्हां दा अंतिम संस्कार होया है। याद करना अपने बच्चिया नूं दसना जा के कदी, पर नहीं दसण दी लोड़ समझी असी। प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे, बाणी दा एक बोल होर तुहाडे नाल साझा करदे। मेरे मालिक जी कहते जे मंगता मंगे ते गल फंदी है, जे दाता मंगण लगदा है ते अफसोस हुंदा है, जे पिंड विच गरीब मंगण ते गल फंदी है, सरदार मंगे गल फंदी नहीं। फिर बेनती नूं दोहरा दिया, आम बंदा मंगे ते गल फंदी है, पर जे सरदार रखवा के, सरदार दे मीनिंग ही नहीं समझ आया सारा वर्ग, सानू नहीं पता लगा कि साढ़े सिर पर पंग वजन तो बाद सानू लोगों ने सरदार क्यों मन लिया, क्योंकि असी कभी किसी के अगे हाथ नहीं डंडिया, असी किसी के अगे कभी हाथ नहीं फैलाया। जे साढ़े विच हिम्मत बख्शी मेरे मालिक ने, असी हाथ विच शमशीर फड़ के अपने हक तां खो लै, पर हक मंगण लई कभी तरले ना करदे। अज कि कौम का इतिहास तुहानू मैं दसा, साडी कि वार तुहाडे नाल सांझी करा, जिहड़ा असी अज सिलसिला अपने घरां चों हौली हौली गैप कर लैंदा है। मैं तां हैरान हो जांदा जदों पंजाब दी हुणे जिक्र चल रहा सी उन्हां महान योधिआं दा, पता नहीं क्यों इतिहास पढ़ लग्या साडे बंदिआं ने किते ना किते अणगहिली कीती है। असी इस इतिहास दे नाल इक घटना भागां वाले जोड़दे हां, सवाल मैं तुहाडे ते करना चाहुंदा, जे इह गल सच्ची है ते हां विच जवाब दे दिओ, जे गल झूठी है ते तुहानूं इनकारी होना पैगा। इतिहास में एक घटना का जिक्र आ गया कि गुरुदेव पातशाह जी ने जो आनंदपुर का किला छड़िया, उस वक्त कुछ सिख आ गुरु साहब जी कहते, महाराज असी हुण तुहाडे नाल मैदानी जंग में लड़ नहीं सकते, सानू भुख सताउंदी है। वैसे मैं उन्हें सिख नहीं मानता जिहड़ा गुरु के सामने आ के रोटी का वास्ता हो, ध्यान रखे होगा बाणी ने सिखाया है, मैनू एक टुकड़ भी रोटी का ना मिले। दुश्मन तुहाडे तो प्रभावित क्यों सी, दुश्मन तुहाडे तो यह गल का खौफ क्यों खांदा सी, इतिहास दी ओह गल्लां कित्थे गईआं। गुरु साहिबान कोल नहीं, 18वीं सदी का इतिहास चलता है, तीन सिख दुश्मन ने जेल में बंद किए ने, और तिना सिखां नूं 6 दिन भुखिया रखिया, 6 दिन रोटी नहीं दित्ती, 6 दिन खाण लई, 1 दिन रोटी ना मिले बच्चा तड़फदा है, 2 दिन रोटी तो बिना बुजुर्ग नहीं कढ़ सकता, नौजवान तां कई वार 2 दिन कढ़ जांदे ने, बुजुर्गां ते बच्चियां तो नहीं कढ़िया जांदा। जालम ने तुहाडा इतिहास पूरा खोज मिटाउणा चाहिया, 3 दिन 6 दिन जेल विच बंद रखिया, रोटी का टुकड़ नहीं दिता, 6वें दिन अद्धी रोटी का टुकड़ा तोड़ के जेल दीआं सलाखां दे पिछे छड्या। क्यों भला, वो चाहुंदा सी ਇਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਘੁਮਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ 3 ਚੱਕਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਨੇ ਲਾਏ, ਦੁਹਾਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋ ਬੈਠੇ, जे इन्हां दे अंदर एडा वड्डा सिदक है, दुनिया की कोई ताकत इन्हां तों राज नहीं हो सकती, दुनिया की कोई ताकत इन्हां दा इतिहास खत्म नहीं कर सकती। पर की पता सी साडे अपणिआं ने मुका देना है, की पता सी साडे अपणे घर सिख इतिहास दीआं बातां नहीं होणीआं, असीं अपणे घर कदी वी इतिहास की गल अपने बच्चिआं नाल करन लई राजी नहीं हुंदे। हाँ, फिल्मी कहानियां, अश्लीलता भरे गीत जदों अखबारां च खबरां छपदीआं ने ना,
फलाने थान से बलात्कार होया जा वे विचार होया, मैं उन्होंने कहना हुना कि खबर आ छपिया तुम अपने घर हरि सिंह मलवे का इतिहास नहीं दसिया अपनी औलाद यह कभी भी नहीं होना साडे पंजाब के अंदर तुम हरि सिंह मलवे का इतिहास अपनी औलाद में पढ़ाया होंदा की लोड़ है सानू हरि सिंह मलवे का इतिहास पढ़ाने की कि असी उस इतिहास को वाकफ होके लैने खैर मैं बेनती कर रहा है गुरु साहब एक सिख कहते साढ़े तो लड़िया नहीं जाता सिख इतिहास कहता है अद्धी रोटी छेदन भुखण पहाड़िया के सामने सुधी उन्होंने वंट ली एक दूजे वंटते रहे एक बने गुरु के सिख रोटी के बदले गुरु को बतावा दे दें मैनू यह गल जचती नहीं इतिहास इस नाल की अहमियत दिता नहीं है पता नहीं असं कितों लिया के फिट कर लिए यह मतलब है एक होर बेनती कर रहे जिन्हें खालसे पंथ की साधना हुई उस वेले भीम चंद का राज है इस दुनिया के अंदर से भीम चंद अपने सिपाहियों समेत गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी मेन आनंदपुर की धरती से आया आके एक तरला लिया भीम चंद कहता महाराज खंडे बाटे की पौल तैयार करो असी भी अमृत छकना चाहते हैं मेरे गुरुदेव पातशाह जी ने कहा खंडे बाटे की पौल तैयार होएगी असी सारे रल के छकेंगे भीम चंद कहता नहीं साडे लई वक्री खंडे बाटे की पौल तैयार होनी चाहिए है असी इन्हां निक्कियां कामियां जातां दे नाल रल के अमृत नहीं छकना साडे लई अमृत वखरा तैयार होना चाहिए मेरे गुरदेव पातशाह जी खौफ नहीं खांदे किसे दा मुस्कुरा के कहिंदे भीम चंद तेरे वर्गे हंकारी बंदिया इतने थान कोई नहीं मैं तेन अमृत छका कतई राजी नहीं सब तो पहला यह गल मारनी पैनी है ये छोटे नहीं तो मैं वड्डा नहीं फिर खंडे बाटे की मौत की शुरुआत होनी भीम चंद मुड़ गया जान लगे भीम चंद ने एक गल कही कहते महाराज जिन्हों सिखा से अब तुम इना माण करते हो जिन्हों खंडे बाटे की मौत लेके भुख तो तंग आके थोड़ी फौज में भर्ती हुए थे इन्हों के घर रोटी नहीं पकती इन्हों के घर प्रशादा नहीं पकता यह भुख तो तंग आए अज सिख बने ने जिदन थोड़े दर से इन्हों प्रशादे ना मिले तेरा साथ छड जाएंगे भीम चंद जाता जाता एक गल कह गया भीम चंद ने जाद्या जाद्या बोल गए मेरे मालिक ने कहा मैं जान नालों वध प्यार किया इन्हां सिख बच्चों नूं मैनू पता है मेरा यह साथ कभी नहीं छड़नगे यह घटना बयान करके असं भीम चंद के बोलों सच साबित करते हैं आवेख कभी आए से अब बतावा लेके दे गए कहानी की है समा मेरे को बहुता नहीं है मैं इसकी पूरी डिटेल में जा सका पर मैं संखेप बेनती तुहाडे नाल जरूर कर देनी कहानी की सी अज वर्गे साधन नहीं उस वक्त सिखां नूं एक दूजे नाल मिलन दे अज वर्गे साधन नहीं है अज ते असीं मेले च जाने साडे कोल मोबाइल फोन हुंदा है असीं एक दूजे तों विछड़ जाने हां ते मोबाइल फोन राहीं संपर्क करके मिल सकते हां उन्हां समयां दे विच मिलण दा साधन इक्को ही सी वी जे तां किसे नूं एक दूजे नूं मिल के सुनेहा मिल जाए फलाना भाई इस बंदे है तां मिल सकदा सी अदरवाइज जंगल जा रहे होण करके आनंदपुर दा किला जदों छड्डिया गुरदेव पातशाह जी ने उस वक्त सिखां दे चार धड़े बन गए एक बने माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे एक बने गुरदेव पातशाह जी आप ते पंज प्यारे नाल वड्डे दो साहिबजादे एक बने गुरु के महल और उन्होंने माता जी एक बने उत्थे ही महासिंह की एक टुकड़ी जिहड़ी है इस दल नालों इस कठ नालों अलग हो गई इन्हां नूं दुबारा गुरु नाल मिलण दा मौका नहीं मिलिया इन्हां कोल भी इह छड्ड के पा जाए मौका नहीं मिलिया और गुरु साहब जी उदों तों बाद खदराने की ढाल विच पहुंचे और उत्थे जाके इन्होंने माझे दे कुछ चौधरी इलाके दे कट्ठे होके गए इन्होंने मेल मिलाप किया विदावा इन्हां नहीं दिता माझे दे चौधरियां ने दिता सी जिहड़े इन्हां नूं मिलाउण लैके गए सन थोड़ा ध्यान दिओ इतिहास नाल साडा संबंध नहीं है असीं इतिहास कदी बाचिया नहीं है कदी इतिहास नूं गौर नाल पढ़ के वेखो इस माझे दे चौधरी जेडे गुरु साहब जी के विरोध में भुगतते सन हमेशा इन्होंने सोचा भी एक काफला गुरु नालों अलग हुए इन्हों असी नाल लैके जावे और गुरु साहब जी को जाके कहे भी असी लैके आए हैं साड़ी चौधर बरकरार रहेगी चौधरा ने बहुत मारे मेरी कौम अज तक भी मारे और पुराने समय में भी मारे से जे मेरी कौम के अंदर चौधर खत्म हो जाए तो अज शायद बहुत वाला असं समाज के क्रांतिकारी कर्म कर सकते हैं पर सारे चौधर मार दी है चौधर ने कौम तबाह करके रख छी अज तक भी इदा ही चली जाता है जिन्हों घर दो जनिया नहीं चौधर हो जाए ना वो घर बहुता चिर एक छत थले नहीं रह सकता हूँ जिन्हों घर कई बंदियां नहीं चौधर स्थापित हो जाए वो बारे का कहना ही की होया सुख है ये काफला लैके जो पहुंचे खिदराणी की ढाल से उधरों मुगलों का दल कपूरे का दल पहुंच चुके
है। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने कोले चौधरी जाके कहते महाराज लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। चौधरी कहते महा सिंह नहीं कहता, चौधरी कहते माता भाग कौर, इन्हों का भरा दिलबाग सिंह भाग सिंह।